कभी भी कुछ भी धमाका कर देती है हवा में। हम जैसे तो जो स्कूटर चला रहे हैं वो एक 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 लीटर पेट्रोल के लिए सोचते हैं, पहले पेट्रोल भरवा या घर का तेल सामान भरवा। हमें नुकसान हो रहा है, 7000 रुपये में क्या घर चलाए क्या पूरा करेंगे। हम लोग को चलने के लिए तो हमारा हमेशा मुसीबत है, फिर भी हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इसको थोड़ा से थोड़ा कंट्रोल में लाए। हमारा तो नुकसान हो रहा है, 400 रुपया 500 रुपया करके हमारा घटा हो रहा है। अभी काफी टाइम से बढ़ी नहीं थी, एकदम से 2.5 रुपये बढ़ा दिया, तो आम पब्लिक ये सब अब अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी भी कुछ भी धमाका कर देती है गवर्नमेंट। चुनाव अभी यूपी के चुनाव थे तो रुक गई थी, यूपी के चुनाव हुए वैसे ही वापस गैस सिलेंडर पे भी पैसा बढ़ा दिया और पेट्रोल डीजल पे भी पैसा बढ़ा दिया। हम जैसे तो जो स्कूटर चला रहे हैं वो एक 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 लीटर पेट्रोल के लिए सोचते हैं, पहले पेट्रोल भरवा या घर का तेल सामान भरवा। इसलिए पेट्रोल तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रही है और हमारे बजट के बाहर ही जा रहा है। अब हम पेट्रोल तो हफ्ते में एक आध दिन गाड़ी निकाल रहे हैं जब ही चला रहा है, नहीं तो हमारे तो अब बस नहीं है। कम होना चाहिए इसका, जितना हो सके कम हो सके आम जनता, ताकि सुकून से गाड़ी चला सके। मगर अब गाड़ी लेना तो दूर, सोचने में डर लगता है। हम अभी 7000 रुपये कमाते हैं महीने में और साफ सफाई का काम करते हैं हम, और हमीदिया में हम साफ सफाई करते हैं, नाली बुजुर्गों की वो करते हैं, बोला ये पेट्रोल भर गया तो लिहाजा इसको हमें कम तो मिलना चाहिए। अब 50 रुपये का हम पेट्रोल डलवा के घर तक जाते हैं, दवा लेने जाते हैं, फिर डलवाएं तो कहाँ से डलवाएं हम पेट्रोल। जिम्मेदार तो ये सरकार ही है, ये मध्य प्रदेश सरकार भी भेंट लगाती है, उजाला करती है। हमें नुकसान हो रहा है, 7000 रुपये में क्या घर चलाएं क्या पूरा करेंगे। तेल का अभी जो 2-3 दिन से जो रेट बढ़ रहा है उससे हम लोगों के लिए बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आज मैंने अपना सब्जी बाजार गया था तो आज तक आलू का दाम रहा 20 रुपये, आज हो गया 25 रुपये। हमने पूछा क्यों ऐसा, बोलता कि तेल का भाव बढ़ गया, हमारा भाड़ा बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम लोग को बहुत मुसीबत हो रहा है चलने के लिए। हम लोग का लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी जो आगे 70 रुपये में मिलता रहा पेट्रोल, 70-80 रुपये में अभी 90-95-100 रुपये का लगभग आसपास हो गया तेल का दाम। हम लोग को चलने के लिए तो हमारा हमेशा मुसीबत है, फिर भी हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इसको थोड़ा से थोड़ा कंट्रोल में लाएं। हम डीजल 4 दिन पहले में लिया था, अब 81 कितना रुपया था, अभी 84 कितना रुपया हो गया डीजल का कीमत। हमारा तो नुकसान हो रहा है, 400 रुपया 500 रुपया करके हमारा घटा हो रहा है। अभी तो रेट बढ़ाना पड़ेगा सामान का, रेट नहीं बढ़ रहेगा तो हम लोग को पोसाएगा नहीं है। अभी तो 15 रेट में हमारा जा रहा है अभी सामान, सबका का तो रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल महंगाई तो बढ़ रहा है। यही निवेदन है, थोड़ा कम करना तो गरीब लोगों का अच्छा होता, जैसे हमारा जैसा लोग। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है ना, उसके लिए हमको हम सोच रहे हैं मेरा गाड़ी हम बेच देंगे, क्योंकि हम लोग आज नहीं चला पा रहे। आम आदमी जो होते हैं वो इतना सोच ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया, वो तेल डालने की प्रॉब्लम हो रहा है अभी, और ट्रांसपोर्टिंग वेरी इशू हो रहा है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, और फिर भी क्या है, गरीब लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम होने से अच्छा रहेगा। और जो पेट्रोल अभी ज़्यादा भी लोग मैं देख रहा हूँ, बाइक और बस कार ये सब कम कर दिए हैं जाने के लिए, तो कम होने से अच्छा रहेगा। पेट्रोल डीजल ये सब रेट बढ़ने से हमको जाने आने से बहुत तकलीफ होती है, और सब कुछ भी बढ़ जाती है महंगाई में, बच्चों को लेकर या परिवार से रहना बहुत बाहर में भाड़े घर के भाड़े देने में बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे रहने से आम जैसे मीडियम लोग को बहुत तकलीफ होती है, बड़े लोगों को कोई कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता, हम सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब बहुत ही कष्ट होता है कि ये निरंतर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से आम जन पे बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला 8000-10000 कमाने वाला 3000 रुपये का पेट्रोल महीने में डलवाएगा, क्या घर में कमाएगा, क्या घर में बचाएगा, क्या अपने लिए रखेगा, ये भविष्य की चिंता हम लोग को सता रही है। मेरा निवेदन है कि ये पेट्रोल वृद्धि को एक स्थायी किया जाए, सीमित किया जाए। मैं पर डे इस पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आता हूँ, लेकिन इधर बीच लगातार रोज कभी 80 पैसे कभी 1 रुपये लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का आम बजट महीने भर का बजट गड़बड़ा गया।
और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सभी सामानों के भी दाम बढ़ गए हैं, जिसके लिए आम आदमी बड़ा परेशान है। बजट पे यही असर पड़ रहा है। देखिए सर कि कभी कभार ऐसा होता है कि पेट्रोल भराने भर का पैसा नहीं रहता है तो कॉलेज का ऑप्शन करना पड़ता है या किसी और साधन से किसी दोस्त की मदद से जाना पड़ता है। और क्या, अब मैं कमा तो रहा नहीं हूँ, घर के फैमिली के ही डिपेंडेंट हूँ। ज़्यादा घर से मैं पैसा भी नहीं मांग सकता पेट्रोल के लिए, रोज़ कॉलेज अटेंड करने के लिए। सो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बेटर होगा, बाकी सब तो सही है। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ये पेट्रोल का दाम हो या गैस सिलेंडर हो। हम गृहिणियाँ हैं, हम लोगों को तो पहले सबसे है कि घर में किचन सबसे प्रमुख चीज़ है जो हम लोगों को चलाना रहता है। और इस समय इतना ज़्यादा असर पड़ गया है कि एक टाइम खाना बना के दूसरे टाइम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। हम लोगों का एक जो गैस सिलेंडर है महीने भर चलता था, और इस समय ये सोचना पड़ रहा है कि इसको एक टाइम खाना बना के हम दो महीने तक इसको चलाएं, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा भाग रही है। आने जाने में तो इतना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर इंसान दो दो गाड़ी रखा हुआ है तो दोनों में पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल नहीं चाहिए, या फिर वो साधन करके जाएगा, 20 रुपये वहाँ खर्चा करेगा, 20 रुपये आने का खर्चा करेगा। अगर पेट्रोल लेगा तो 100-150 का पेट्रोल आ जाता है। तो इतनी महंगाई के चलते जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिसके पास है वो तो अपना चला लेगा, और जिसके पास नहीं है, जो रोज़ कुआं खोदता है और रोज़ पानी पीता है, उसका कहाँ से चलेगा।